तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपको देखूंगा, आप ये देखिए, ये 15 इंची का एक सीआरटी टीवी है और इसका कॉइल देखिए नॉर्मल सा कॉइल है और इसका अंदर जो पीसीबी देखिए चाइना पीसीबी इसका अंदर यूज़ है। ठीक है, ये नॉर्मल चाइना पीसीबी इस तरह ये पीसीबी है, बट ये इसका जो पावर सेक्शन सप्लाई ये देखिए एसटीआर पावर सप्लाई है। ठीक है, और ये पीसीबी का अंदर कुछ भी काम नहीं हो रहा नहीं हुआ है। तो चलिए एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पीसीबी ये डेट है, मतलब ये ऑन नहीं हो रहा है। आप ये पीसीबी को पूरा ऊपर से आपको दिखाना चाहते हैं, इसका पीछे साइड देखिए कुछ भी सोल्डरिंग भी नहीं है, कुछ भी काम भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये पीसीबी का अच्छा करके देखिए, तो ये पीसीबी सेट ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए वोल्टेज कुछ चेक करने के बाद पता चलता है कि नहीं, आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं इसका सब कुछ वायरिंग ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन करने के बाद सिर्फ एसी कॉइल इसका अंदर लगाया। ठीक है, तो और पिक्चर ट्यूब का साथ ये जो ESD का फाइनल एनोड, ये कॉइल कनेक्शन, बेसबोर्ड, ये सब कनेक्शन है। ठीक है, तो चलिए इसी टाइम में टेस्ट करके देखूंगा कुछ भी वोल्टेज से पता चलता है कि नहीं। इसीलिए मीटर को, मीटर का जो नेगेटिव कॉर्ड, ये कुछ भी नेगेटिव पर आप कनेक्शन कर सकते हो। ये पीसीबी का अंदर ये जो ट्यूनर का पॉइंट है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव के साथ जो कनेक्शन ये बेसबोर्ड का अंदर भी आता है, ये जो चौड़ा वाला पत्ती ये नेगेटिव है और इसका साथ ये जो नेगेटिव वायर जा रहा है ये पिक्चर ट्यूब के वायर के अंदर। दोस्तों ये पिक्चर ट्यूब का बॉडी ये पूरा नेगेटिव है और ये जो क्लैम है ये भी नेगेटिव है। तो चलिए यहाँ पर मैं कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो इसी टाइम वोल्टेज क्या चेक करना पड़ेगा, तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। फर्स्ट टाइम सीरीज लाइन से सप्लाई देता हूँ। देखिए सीरीज लाइन से सप्लाई देने के बाद फर्स्ट क्या चेक करना पड़ेगा कि 110 वोल्ट लाइन। तो दोस्तों ये 110 वोल्ट लाइन ESD पर ये पिन पर आता है। कितना वोल्ट, तो दोस्तों 0 वोल्ट है। और मीटर को देखिए 200 DC रेंज पर मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ। और उसका बाद चलिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो सकता है, इसलिए इसका पहले चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है और ये जो लाइन है देखिए यहाँ पर एक डायोड है जो चॉपर से ये दो नंबर पिन से इधर सप्लाई आता है। यहाँ पर वोल्टेज तो दोस्तों तब भी 0 है। तो चलिए इसका जो अलग अलग आउटपुट वोल्टेज ये 26 वोल्ट लाइन पर, तो दोस्तों ये वोल्टेज भी 0 है, क्या बात। तो चलिए उसका नीचे पिन वोल्टेज, तो दोस्तों ये पिन भी, ये पिन वोल्टेज 0 है। तो चलिए उसका बाद ये साउंड IC सप्लाई वोल्ट, ये भी दोस्तों 0 है, तो क्या फॉल्ट है। तो उसका बाद ये जो हॉट सेक्शन है, इसका हॉट सेक्शन वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। बट दोस्तों ये जो नेगेटिव मैं कनेक्शन किया, ये कूल सेक्शन का नेगेटिव है, हॉट सेक्शन का नेगेटिव अलग होता है। हॉट सेक्शन क्या होता है, ये जो बॉर्डर है इसका अंदर ही हॉट सेक्शन होता है। तो इसका नेगेटिव मेन फिल्टर कैपेसिटर का नेगेटिव होता है। तो चलिए इसी टाइम पावर, मेन फिल्टर पावर कैपेसिटर का वोल्टेज एक बार चेक करके देखना पड़ता है। ठीक है, ये कैपेसिटर पर कितना वोल्ट आता है, 350 वोल्ट का आसपास। तो इसीलिए मीटर को 600 DC रेंज पर रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद चलिए कैपेसिटर पर वोल्टेज कितना मिलता है देखिए दोस्तों। अभी यहाँ पर कितना वोल्ट, 72 वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉपर वोल्ट नहीं है कि इतना कम वोल्ट मिल रहा है, तो इसका रीजन जो है क्योंकि इसका नेगेटिव में यहाँ पर कनेक्शन किया। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद ये जो मीटर का नेगेटिव कोड है, ये नेगेटिव यहाँ पर रख के टेस्ट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर रख के मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर एक वायर कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर का पास ये वायर मैं कनेक्शन किया और इसका नेगेटिव मैं यहाँ पर कनेक्शन किया, आप देख सकते हो ये नेगेटिव है। तो चलिए इसी टाइम वोल्टेज टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि मीटर को 600 DC रेंज पर सिलेक्ट किया। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद फर्स्ट चेक करूँगा मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज आता है कि नहीं। तो दोस्तों मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज आ गया 324 वोल्ट का आसपास, 2234 इस तरह। ठीक है, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा वोल्टेज टेस्ट करके देखना पड़ेगा, पावर सेक्शन का वोल्टेज ओनली। ठीक है, देखिए मेन फिल्टर कैपेसिटर पर जो वोल्टेज आता है, ये वोल्टेज किस तरह जाता है, देखिए ये जो लाइन जा रहा है ये चॉपर का ये पिन पर। अब अच्छा करके देखिए यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है और चॉपर का जो आउटपुट पॉइंट, इसका इंटरनल एक कॉइल है, कॉइल के बाद यहाँ पर वोल्टेज मिलता है कि नहीं, देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सेम वोल्ट है। मतलब कि ये जो चॉपर, इसका अंदर जो इंटरनल कॉइल है, ये ऑसिलेशन नहीं हो रहा है क्योंकि इसका ऑसिलेशन का जो सिस्टम है कि ऑसिलेशन होने के बाद यहाँ पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा ये मीटर के अंदर। क्लियर हो गया,
इतना हाई वोल्ट होगा कि मीटर का अंदर देखने को नहीं मिलेगा। बट दोस्तों कैपेसिटर का अंदर जितना वोल्ट आ रहा है सेम वोल्ट ये चॉपर पिन पर भी आ रहा है और ये वोल्ट आउटपुट पर सेम वोल्ट देखा जाता है, मतलब इसका पावर सेक्शन काम नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया। और ये वोल्ट कहाँ पर जाता है तो दोस्तों ये लाइन को फॉलो कीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक कॉयल है और यहाँ पर जो एसटीआर है एसटीआर सप्लाई पिन पर, ठीक है, ये एसटीआर सप्लाई पिन पर भी वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये एसटीआर का ये जो बीच कॉयल है ये भी ओपन हो सकता है बट ये भी ओके है, यहाँ पर भी एसटीआर पिन पर सप्लाई आ रहा है, मतलब ये एसटीआर स्विचिंग नहीं हो रहा है। तो एसटीआर स्विचिंग होने के लिए क्या करना, इसका सिस्टम क्या है कि ये जो दो कॉयल है इसका नीचे जो दो पॉइंट है ये तक वोल्टेज आना चाहिए। तो दोस्तों ये वोल्टेज आने का पहले स्टार्टिंग वोल्टेज आना चाहिए जो पीसीबी को रनिंग करने के लिए स्टार्ट करने की ज़रूरत होता है। तो ये कौन सा वोल्ट है, देखिए मेन फिल्टर जो कैपेसिटर है इसका अंदर देखिए एक रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना वोल्ट है, ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर पर जितना वोल्ट यहाँ पर सेम वोल्ट है, ठीक है, और इसका नीचे एक रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस का नीचे पिन यहाँ पर कितना वोल्ट है 140 वोल्ट का आसपास। बट दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर दो सभी पीसीबी के अंदर ट्रांजिस्टर सेट होगा और एसटीआर सेट कुछ भी सेट हो सकता है, दो सीरीज रेजिस्टेंस देखा जाता है, तो सेम वैल्यू का दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होता है। और इसका पास देखिए ये वोल्ट आता है कि नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों कुछ कुछ सेट का अंदर यहाँ पर 12 वोल्ट का आसपास देखा जाता है, 18 वोल्ट का आसपास देखा जाता है, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो क्या लगता है दोस्तों, ये जो सप्लाई जाता है बीच में एक जम्पर है और ये एक एसटीआर पिन पर आता है, ये जो एसटीआर का पिन यहाँ पर आता है दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है, इसी का रीजन से ये एसटीआर काम नहीं कर रहा है। ये एसटीआर काम नहीं कर रहा है इसका मतलब कि ये जो चॉपर कॉयल है ये काम नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद आपको देखना होगा कि इसी तरह चाइना पीसीबी होगा तो इसका मेन फिल्टर जो कैपेसिटर है ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पर देखिए वोल्टेज स्टोर हो गया, अब देखिए 200 वोल्ट के ऊपर स्टोर हो गया और धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा पावर फिल्टर कैपेसिटर का अंदर जब वोल्टेज स्टोर हो जाता है तो मतलब ये पावर सेक्शन का ही फॉल्ट है, ये चाइना पीसीबी का सिस्टम है, आप पूरा दिमाग में सेट करके रख सकते हो कि देखिए यहाँ पर देखिए वोल्टेज स्टोर है और धीरे धीरे डाउन होने लगता है, मतलब ये पावर सेक्शन का अंदर ही फॉल्ट है। तो दोस्तों क्या फॉल्ट हो सकता है, हो सकता है ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया, हो सकता है ये जो एसटीआर का ये पिन है ये पिन शॉर्ट हो गया, ठीक है, तो इसका इंटरनल एसटीआर शॉर्ट हो सकता है और ये रेजिस्टेंस ओपन हो सकता है। तो इसीलिए किस तरह चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट ये जो दो कैपेसिटर है ये जो कैपेसिटर का दो पिन है इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। किस तरह, आपको 200 वाट बल्ब लेके देखिए और 100 वाट कुछ भी इस तरह बल्ब आपको लेना पड़ेगा, इसका जो दो वायर है इसको आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, दो वायर लेने के बाद ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है ये कैपेसिटर का दोनों पिन पर इस तरह आपको लगा के डिस्चार्ज करना पड़ेगा। मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इस तरह आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो डिस्चार्ज हो जाएगा और आप इसी तरह भी डिस्चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये सही तरीका नहीं है क्योंकि फटस करके ये आवाज़ होने के बाद डिस्चार्ज हो जाता है, इसी का रीज़न से कैपेसिटर का जो स्ट्रेंथ ये कम हो जाता है, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज हो गया और यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, उसके बाद ये पावर सेक्शन को काम कीजिए। तो दोस्तों चलिए फर्स्ट ये दो रेजिस्टेंस ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद देखूँगा कि ये रेजिस्टेंस ठीक है कि नहीं है, और ये रेजिस्टेंस ठीक होगा तो दोस्तों ये जो लाइन का अंदर एसटीआर है ये एसटीआर को चेंज करके देखूँगा, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए मीटर को मैं क्वांटिटी मोड पर रखा हूँ, आप देख सकते हो मीटर क्वांटिटी मोड पर है, बाजर बाज रहा है, ठीक है, और ये दो रेजिस्टेंस का पॉइंट को मैं ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने के बाद ये जो लाइन है इसको मैं डिसकनेक्ट कर दिया और ये लाइन का साथ मैं ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव यहाँ पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अभी देखिए ये 200 ओम्स का आसपास हो रहा है, अब अच्छा करके देखिए, मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ। देखिए मीटर को मैं क्वांटिटी मोड पर रखा हूँ, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस का पोजीशन का जगह
देखिए ये लाइन, ये अभी 195 इस तरह ओम शो हो रहा है ये नेगेटिव का साथ, तो इतना लो ओम्स तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये लाइन जो जा रहा है देखिए, ये एसटीआर का पिन कोड, तो इसी तरह ओम शो हो रहा है, ये क्यू शो हो रहा है, तो चलिए लगता है कि एसटीआर शॉर्ट हो सकता है। बट ये लाइन जो जा रहा है देखिए, ये चॉपर का ये पिन कोड, ठीक है। बट दोस्तों ये चॉपर पिन ये पोजिशन अभी शॉर्ट ये इस तरह बता रहा है, तो ये भी अभी देखिए, ये नेगेटिव लाइन, ये नेगेटिव लाइन है चॉपर का, बट ये लाइन का साथ एक पीएफ है, तो ये भी फॉल्ट हो सकता है। तो एक एक ये मेनली जो लाइन है, ये लाइन का अंदर ये एसटीआर भी फॉल्ट हो सकता है, ये कैपेसिटर भी फॉल्ट हो सकता है, आपको ओपन करके देखना पड़ेगा। और इसका पहले ये जो दो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं 200 किलो रेंज पर मीटर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ रहा है। देखिए ये 120 के का रेजिस्टेंस है, देखिए ये रेजिस्टेंस 120 के, ये देखिए परफेक्ट है, 120 के परफेक्ट है। और ये जो रेजिस्टेंस दोस्तों देखिए, ये रेजिस्टेंस 100 मीटर पर फॉलो कीजिए, 137 के, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा हाई हो गया, बट इसी से प्रॉब्लम नहीं है, यह से वोल्टेज इधर तो आ रहा है बट यह से वोल्टेज इधर नहीं मिल रहा है, बट दोस्तों रेजिस्टेंस ओके है। ये 120 के का रेजिस्टेंस है और ये भी 120 के का रेजिस्टेंस है, बट दोस्तों इसका वैल्यू थोड़ा हाई हो गया, 137 हो गया। तो चलिए अभी ये चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, ये लाइन का अंदर जितना पार्स है, मतलब यह पर एक पार्स है, ये भी फॉल्ट हो सकता है और ये लाइन का अंदर एसटीआर भी फॉल्ट हो सकता है, तो इसीलिए एसटीआर पिन को एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एसटीआर पिन को एक बार ओपन करने के बाद देखता हूँ कि ये जो शॉर्टिंग है, ठीक है, 200 ओम्स के आसपास ये जो शॉर्टिंग है, ये और बढ़ता है कि नहीं, आपको देखना पड़ेगा। तो ये एसटीआर पिन को मैं ओपन करके एक बार देखता हूँ। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, तो लगता है ये पिन ओपन हो गया। तो चलिए मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर फिर भी रखने के बाद देखिए, ये दोस्तों मीटर का ये थोड़ा प्रॉब्लम है, 26 वाला भी शो हो रहा है, कोई बात नहीं। ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव का साथ ये जो लाइन, इसका ओम्स देखिए, इसका शॉर्टिंग रिमूव हो गया। देखिए ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव है और इसका साथ ये जो पॉइंट है, इसका ओम्स देखिए बहुत हाई हो गया, मतलब कुछ भी क्वांटिटी देखिए बहुत हाई हो गया, मतलब एसटीआर पिन शॉर्ट है। तो ये एसटीआर को ओपन करना पड़ेगा और न्यू एसटीआर लगाना पड़ेगा। चलिए एसटीआर ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका नट स्क्रू इतना टाइट हो गया कि बाहर से ओपन करने के लिए बहुत टफ लगा, तो इसलिए इसका दो पिन को मैं ओपन किया। तो चलिए उसके बाद ये ओपन करूँगा एसटीआर को, ओपन करने के बाद इसका नंबर भी आपको दिखाऊँगा और उसके बाद एक न्यू एसटीआर लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये एसटीआर मैं ओपन किया और एसटीआर नंबर भी आप देख सकते हो कि एसटीआर का नंबर क्या है। तो दोस्तों ये जो नंबर देखिए, CQ126580, ठीक है, CQ126580 आप देख सकते हो, CQ126580। तो दोस्तों यहाँ पर CQ, यहाँ पर आप दूसरा ट्रांजिस्टर भी यूज़ कर सकते हो, आप CQ07658 भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा पास एक न्यू ट्रांजिस्टर सेम नंबर का है, ये नंबर आप देख सकते हो, CQ126580, ठीक है। आपको मैं क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ कि दोस्तों ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप कुछ भी नंबर लगा देगा तो, और लगाने के बाद सेट ऑन नहीं होगा तो आप ही बताएगा कि सर मैं एसटीआर लगाया वो ऑन नहीं हो रहा है,
ये स्टेयर नंबर का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन अलग अलग स्टेयर का ऊपर मैं सब्स्टिट्यूट का ऊपर कि मैं अलग से एक वीडियो बना के रखा है, आप प्लेलिस्ट चेक करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये से Q1265RT ये स्टेयर यहाँ पर लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये न्यू स्टेयर है, ठीक है। तो चलिए लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं न्यू स्टेयर यहाँ पर लगाया और अभी सोल्डरिंग मैं नहीं किया क्योंकि आपका सामने ही मैं सोल्डरिंग करूँगा। और यहाँ पर ये जो दो सेम नंबर का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस मैं ओपन करके ही रखा हूँ क्योंकि ये सब आपका सामने ही सोल्डरिंग करके देखूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये रेजिस्टेंस को दो पिन मैं ओपन किया, अब देखिए ये ओपन है। तो चलिए यहाँ पर मैं लगाता हूँ और उसके बाद सोल्डरिंग करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों कैमरा को मैं स्टैंड पर रखता हूँ। और फास्ट ये स्टेयर को सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको ध्यान से सोल्डरिंग करना पड़ेगा, कुछ भी पिन का साथ कुछ भी पिन ज्वाइन ना हो जाए वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद चलिए आपको इसी टाइम कि एसटीआर का पिन तो कनेक्शन है और एक बार इसका क्वांटिटी मतलब ये रेजिस्टेंस अभी मैं ओपन किया की रखा हूँ। और चलिए इसका ओम्स कितना आ रहा है ये लाइन से, ये लाइन से इसका ये शॉर्टिंग है और नेगेटिव का साथ। तो दोस्तों देखिए ये 400 ओम्स का आसपास ये सो होना चाहिए नेगेटिव का साथ, ठीक है। नेगेटिव का साथ 400 ओम्स का ऊपर होना चाहिए, ये 490 ओम्स है। तो चलिए एक बार ये दो रेजिस्टेंस को मैं जो ओपन किया ये भी कनेक्शन कर देता हूँ। करने का बाद चलिए मैं आपका सामने ही सप्लाई देख के देखूँगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो इसीलिए मीटर को 600 डीसी रेंज पर रखना पड़ेगा, ठीक है। और चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों तो इसका एसी कॉर्ड चलिए, तो दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया। देने का बाद ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पर कितना वोल्ट ये देखिए 260 वोल्ट के आसपास। और टीवी तो ऑन हो गया दोस्तों, ये देखिए ये सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो जाता है तो इसीलिए बंद हो जाता है। और ये रेजिस्टेंस पर कितना वोल्ट आप मीटर पर फॉलो कीजिए, देखिए 80 वोल्ट के आसपास आ रहा है, ये वोल्ट मिसिंग था। और आपको दिखाना चाहता हूँ ये टीवी का और एक फॉल्ट है, ये किस तरह फॉल्ट है देखिए, स्क्रीन पूरा लाइट रेड है और सीरीज बल्ब देखिए इस तरह फुल ग्लो हो जाता है और उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो दोस्तों पावर तो मैं रेडी करके आपको दिखाया, और ये जो फॉल्ट है ये कौन सेक्शन का फॉल्ट है ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो पावर का जो वोल्टेज है 110 वोल्ट लाइन का, तो चलिए ये वोल्टेज आने का बाद भी ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि सीरीज बल्ब ग्लो हो जाता है। देखिए अभी 110 वोल्ट ये मीटर पर आ रहा है, देखिए 150 वोल्ट का आसपास, ठीक है दोस्तों। और ये बंद हो जाता है सीरीज लोड का बजाय, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये वोल्टेज 110 वोल्ट लाइन का, ठीक है, देखिए मतलब ये पावर सेक्शन रेडी हो गया। और ये जो फॉल्ट आप देखना चाहता हो तो कैसे इसको रिपेयर किया जाता है नेक्स्ट वीडियो का अंदर आपको करके दिखाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।